कैस्कॉट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड सेंधवा मध्य प्रदेश के डायरेक्टर कैलाशचंद्र अग्रवाल गोईवाला से commoditiescontrol.com ने मध्य प्रदेश में इस साल कॉटन के उत्पादन, उसकी क्वालिटी और आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट पर बात की। कैलाश जी ये बताइए कि मध्य प्रदेश में इस साल कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है और उसकी क्वालिटी और माइक की क्या स्थिति है? इस साल मध्य प्रदेश में 20 से 22 लाख कॉटन पैदा होने की उम्मीद है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ की माइक भी 3-8-9 का आता है मध्य प्रदेश में और लास्ट ईयर से कुछ भी ज़्यादा होगी, 10-20 मतलब 50,000 गाट ज़्यादा ही लास्ट ईयर से आएगा ग्राम। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनको चलाने के लिए रॉ कॉटन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है? यहाँ का प्रोडक्शन जो मध्य प्रदेश में वो करीब 30-35 लाख गाट का है और प्रोडक्शन 20-22 लाख गाट का होता है, पर कुछ जिनिंग एक शिफ्ट चला के और करती है, छूट के कारण बहुत अधिक कारखाने डल गए हैं मध्य प्रदेश में। और इस समय क्या कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह की देखी जा रही है? ये भी ठीक है साहब, अभी इस 15 दिनों से अच्छी डिमांड है, क्योंकि अभी शिपमेंट लगने वाला दिसंबर में, तो अभी 8 दिन से ज़्यादा डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड। तो आगे आने वाले दिनों में ये डिमांड किस तरह दिखेगी? हाँ, आगे अच्छी रहेगी साहब। 1 करोड़ का उनका है मतलब टारगेट सरकार गवर्नमेंट का, तो अभी करीब 40-45 लाख के रजिस्ट्रेशन हो भी गए और गए भी 25-26 लाख काटी गई है, तो एक्चुअल मतलब बट नेचुरल डिमांड तो रहेगी आगे। कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों को अगले महीने चीन से जारी होने वाले कोटे से क्या उम्मीदें हैं? तो भाव थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, उम्मीद है उसके कारण भाव इंक्रीज हो जाएंगे रुई के थोड़ा सा। तो आपने जो भाव बढ़ने की बात कही है, तो जनवरी से लेकर जो सीजन का अंत आएगा उस दौरान कॉटन के प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अभी हमारा ध्यान तो है कि जनवरी में तो बाजार स्टेडी रहेंगे कुछ, और अभी जो रिसेंट तेजी है थोड़ी बहुत कम हो सकती है, पर एक्चुअल तेजी मार्च अप्रैल के बाद आएगी जरूर एक बार। तो मार्च अप्रैल के बाद जो आप तेजी की बात कर रहे हैं, उस दौरान ये भाव कहाँ तक जा सकते हैं? अभी साहब प्रेजेंट 39,000-39,500 हुई है, 44-45,000 हो सकती है उस टाइम। और जो कॉटन सीड की अगर बात करें, तो कॉटन सीड में आने वाले 2-3 महीनों की क्या आउटलुक आपको दिखती है? 2-3 महीने तो यही भाव रहेगा साहब, जो 1600-1650, उसके बाद क्या स्थिति आ सकती है? इसके साथ जुलाई अगस्त में 2021 रुपये हो जाएंगे कॉटन सीड। और कॉटन ऑयल केक की बात करें, तो उसमें किस तरह का मार्केट रुझान देखने को मिलेगा? अभी तो सर उसके बाद 1500 रुपये यहाँ पे, वो आगे चल के 1800-1900 रुपये हो जाएगी, पर जुलाई अगस्त में होगी सभी काटा सेट खरीद, जुलाई अगस्त में तेजी आती है। कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियाँ इस बार डिस्पैरिटी की बात कर रही है, तो ये डिस्पैरिटी वाकई कितनी है और ये किस तरह दूर हो सकती है? एक्चुअली यहाँ 300-400 रुपये घंटे की डिस्पैरिटी है, दूर तो क्या था उनका ओवरहेड्स इतने हैं ऑलरेडी, नहीं भी चलाते तो इतने ओवरहेड्स लगते ही, 300-400 रुपये घंटे का खर्चा तो बना हुआ है, प्लस जावर का मिल जाता है आदमी को जो जीनिंग फैक्ट्री डाली उसके जावर के भाई, इसलिए वो लोग उससे उसको कंपनसेट कर लेते हैं जी। कैलाश जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।